दोस्तों स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने ही चैनल फैंटेसी विनर में। दोस्तों इसमें हम डीपली कवर करेंगे जो बेंगलोर वर्सेस गाइस मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले मुकाबला के बारे में। गाइस मुकाबला बहुत ही शानदार रहने वाला है। गाइस आपको बता दूं गाइस इंडियन प्रीमियर लीग का गाइस 10 नंबर मुकाबला है, यानी गाइस 10वां मुकाबला है। अगर आप इस मुकाबले में कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गाइस हमने इस वीडियो में कवर किया है दो टीमों का बैटिंग ऑर्डर, गाइस पहले रिकॉर्ड और गाइस दोनों टीमों के मैं एनालिसिस करके बताऊंगा गाइस, और इनकी रिसेंट मैचेस की परफॉर्मेंसेस। गाइस बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए गाइस हमने कवर किया है, तो गाइस आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, क्योंकि गाइस वीडियो पर लास्ट तक बने रहोगे तो अभी आप लोगों को पूरी तरह से गाइस अपने कॉन्फिडेंट हो पाओगे कि इसको रखना है इसको नहीं रखना, तो खुद का टीम बना पाओगे भाई और खुद से विनिंग कर पाओगे। उम्मीद करता हूं गाइस आपको समझ आई होगी। गाइज अब हम चलते हैं गाइज इनकी कुछ आपको बता दूं गाइज, जो भी हमारी हर एक मैच की फाइनल टीम होती है गाइज आपको हमारी फैंटेसी विनर गाइज टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद करना कुछ नहीं गाइज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर सिंपली ज्वाइन कर लेना है। गाइज आपको बता दो फैंटेसी विनर जाकर सर्च कर लेना गाइज, लिंक नहीं काम करी तो आप वहाँ से भी जाकर ज्वाइन हो सकते हो। बाकी गाइज जो भी हमारी गाइज आपको गाइज इंस्टाग्राम पे सर्च करना हो तो गाइज ये सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हो, बाकी फेसबुक पेज पे गाइज। अब हम चलते हैं फटाफट से मैच की ओर। तो गाइज आपको बता दूँ गाइज IPL बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट होने वाला गाइज, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी गाइज चलता है अब इस मैच की। तो गाइज IPL का 10वां नंबर मुकाबला है, वेन्यू की बात कर गाइज तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में ही खेली जा रही है। अब हम बात कर गाइज डेट एंड टाइम की, तो गाइज तो आपको तो पता ही है गाइज, यानी कल है मुकाबला गाइज 7:30 बजे से, हर एक मुकाबले गाइज IPL का 7:30 बजे से हो रही है तो आपको पता ही होगा। बाकी हम चलते गाइज अब फटाफट से दोनों टीमों की लाइनअप बैटिंग लाइनअप गाइज और रिसेंट मैचेस परफॉर्मेंस आपको बता देते हैं। पहले बता दें गाइज आपको बेंगलोर टीम की, तो गाइज इन्होंने गाइज 3रा नंबर मुकाबला खेला था गाइज बेंगलोर वर्सेस और गाइज हैदराबाद के बीच हुआ था गाइज इनके मुकाबला, जिसमें से गाइज इन्होंने बेंगलोर गाइज 163 रन बना पाई गाइज फर्स्ट बैटिंग करते हुए 5 विकेट के नुकसान पे पूरे 20 ओवर में। वहीं बात करें गाइज सनराइजर्स हैदराबाद की, तो गाइज इन्होंने लास्ट में गाइज चेजिंग करते हुए 153 रन पर पूरा विकेट अपने खो दिए गाइज सिर्फ जो हम लोग 4 ओवर के नुकसान पे गाइज, यानी बेंगलोर फर्स्ट वाला मुकाबला गाइज अपने जीत लिया था। अब हम बात करें गाइज इनके दूसरी मुकाबला की, तो बेंगलोर वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब होता गाइज, जिसमें से पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए गाइज एक शानदार 206 रन की एक शानदार गाइज पारी खेली 3 विकेट के नुकसान पर पूरे 20 ओवर में गाइज, और बेंगलोर उस गाइज रन को चेज करते हुए 109 रन ही बना पाई गाइज पूरे 10 विकेट खोकर पूरे 20 ओवर में गाइज। तो कहीं ना कहीं गाइज ये बेंगलोर गाइज एक मैच जीत कर रही गाइज एक मैच हार के आ रही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो गाइज एक विन करा है एक लॉसेस करा है। बाकी हम चलते गाइज और इनकी पहले रिकॉर्ड बताते हैं आपको। बेंगलोर की तरफ से गाइज ओपन करने आ रहे हैं देवदूत पाडिकल गाइज, फर्स्ट वाले मुकाबले में इन्होंने 56 रन बनाया था गाइज, उसके पहले वाले मुकाबले में गाइज यानी लास्ट वाले मुकाबले में 1 रन नहीं बना पाया, फिर से खेलते तो गाइज ओपन करने आ रहे गाइज एरन फिंच के साथ, तो एरन फिंच ने गाइज 29 रन और 20 रन की 2 गाइज एवरेज परफॉर्म करा है। आप चाहो तो गाइज अब दोनों में से किसी एक को पिक कर लेना। बाकी बात रहे गाइज विराट कोहली की, तो बहुत ही शानदार गाइज फर्स्ट डाउन आ रहे गाइज ये आपको 2 डाउन आ रहे हैं गाइज 2 डाउन विराट कोहली आ रहे हैं खेलने, ज़्यादा इनको गाइज मौका नहीं मिल रहा, बट जल्दी विकेट करते तो गाइज इनको मौका मिलता है, बट ये कुछ कर नहीं पा रहे। फर्स्ट वाले मुकाबले में 14 रन और उसके पहले वाला इनके बाद वाले मुकाबले में 1 रन, तो कुछ खास है नहीं है गाइज आप चाहो तो गाइज, बट बहुत ही शानदार प्लेयर गाइज आप तो इनके बारे में जानते ही हो कि बहुत ही शानदार प्लेयर है गाइज, अपने GL की टीम में गाइज इसे कैप्टनसी जरूर दे देना, क्योंकि ये चलेगा तो गाइज ये 70-80 रन बना सकते हैं, बहुत ही दमदार प्लेयर है गाइज, तो आप चाहो तो गाइज इसे पिक कर लेना। बाकी हम करें गाइज AB डिविलियर्स की बात, तो गाइज 51 रन 28 रन की 2 शानदार पारियाँ खेलिए गाइज, तो आपकी टीम में जरूर रहना चाहिए, आप सीधे सीधे पिक कर लेना। बाकी आपके लिए वाइस कैप्टन की एक सेफ पिक भी रहेगा शिवम दुबे गाइज, ये बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहा है गाइज लास्ट वाले मुकाबले में गाइज 12 रन+2 विकेट, उसके पहले वाले मुकाबले में गाइज 7 रन+2 विकेट, यानी गाइज 2 मैचेस में 4 विकेट निकाल चुका है अपनी टीम के लिए, तो बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहा है, तो आप चाहो तो गाइज इसे पे आप गाइज रिस्क ले सकते हो कैप्टनसी देने की। बाकी गाइज एक बॉलिंग भी पूरे पूरे गाइज 4 ओवर करते हैं,
कभी कभार एक गाइस दो से तीन ओवर करते बट लास्ट ओवर मुकाबले में उन्होंने पूरे पूरे फोर ओवर डाले थे। जो फिलिपे की बात रखाई तो आपको दिखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में लास्ट वाले मुकाबले में गाइस इन्होंने जीरो पे आउट हो गए थे गाइस, फर्स्ट डाउन इनको भेजा गया था गाइस, इनको कभी कभी प्रमोट भी कर दिया जाता है गाइस। लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने फर्स्ट डाउन डाले थे गाइस बट जीरो पे आउट हो गए, उसके पहले वाले मुकाबले में एक रन जीरो रन की दो बहुत ही बेकार पारियाँ खेले गाइस, तो आपके लिए सिर्फ जेल में टाई करने लायक है। तो सिर्फ आप इसे जेल में टाई करें। बात तो करें गाइस वाशिंगटन सुंदर की, तो गाइस लास्ट वाले मुकाबले में गाइस इन्होंने शायद इन्होंने एक ओवर कराए थे बट इनको गाइस विकेट नहीं मिला। उसके पहले वाले मुकाबले में गाइस वाशिंगटन सुंदर गाइस विकेट तो मिला नहीं बट गाइस पहले वाले मुकाबले में गाइस इन्होंने जीरो विकेट निकाले थे। उसके पहले वाले मुकाबले में गाइस इन्होंने लास्ट वाले मुकाबले में 30 रन बनाए थे गाइस बैटिंग से। तो गाइस आपको सिर्फ जेल में ट्राई करना है। नवदीप सैनी की बात रह गई तो नवदीप सैनी ने गाइस लास्ट वाले मुकाबले में गाइस विकेट लेस गए। उसके पहले वाले मुकाबले में गाइस इन्होंने दो विकेट निकाले थे। बहुत ही दमदार प्लेयर है गाइस, आप चाहो तो इसे पिक कर लेना। डी एस टेंट की बात रह गई तो इन्होंने लास्ट वाले मुकाबले में गाइस जिनको विकेट नहीं मिला था बट एक रन बना पाए थे, और उसके पहले वाले मुकाबले में गाइस जिन्होंने एक विकेट, लास्ट वाले मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिला था, पूरे चार ओवर डालेंगे गाइस। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, तो अपने टीम में गाइस इसे चाहो तो पिक कर लेना गाइस, कभी भी विकेट निकाल कर दे सकते हैं दो से तीन। उमेश यादव की बात रह गई तो पूरे चार ओवर डाल रहे हैं गाइस, लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने पूरे फोर ओवर डाले थे गाइस बट इनको विकेट नहीं मिल रहा है, पता नहीं विकेट क्यों नहीं मिल रहा है गाइस। बट आपके लिए सिर्फ जीएल में गाइस बहुत ही शानदार पिक रहेगा गाइस, आपकी जीएल में आप ट्राई कर लेना। बाकी गाइस आप मिनी जीएल में इसे ट्राई करते हो तो गाइस एक से दो विकेट ले जाते हो तो गाइस आपको क्लीन स्वीप करा देगा। तो उमेश यादव पर गाइस ध्यान कर लेना क्योंकि गाइस पूरे फोर ओवर डाल रहे हैं। युजवेंद्र चहल की बात रही तो बहुत ही शानदार बॉलर है गाइज, एक विकेट और तीन विकेट, दो गाइज मैचेज में इन्होंने चार विकेट निकाल चुके हैं गाइज और एक रन भी बनाया है बैटिंग से। तो गाइज पूरे चार ओवर डालेंगे गाइज, मेन बॉलर अपनी टीम की तरफ से गाइज यानी बेंगलोर की टीम की तरफ से मेन बॉलर है गाइज, तो आप इसे सीधे पिक कर लेना। बाकी हम गाइज इसकी और टीम की बात रही यानी गाइज और इन टीम की बात रह गई तो बता दो गाइज देवदूत पाडिकल, रन फिंच और गाइज विराट कोहली में से किसी दो को आप चाहो तो पिक कर लेना, बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा किसी एक ही के साथ जाए गाइज। अब एवी डिविलियर्स का आप सीधे पिक कर लेना गाइज, और शिवम दुबे का गाइज ये परफॉर्म कर रहा है गाइज, लास्ट के दो मुकाबले में गाइज इन्होंने दो दो विकेट ले चुके हैं, तो गाइज आप इसे सीधे पिक कर लेना। बाकी हम बात करें गाइज जो फिलिपे के, तो गाइज आपको सीधे गाइज इग्नोर ही कर देना, वाशिंगटन सुंदर गाइज सिर्फ जेल में ट्राई कर लेना है, बाकी नवदीप सैनी को चाहो तो गाइज पिक कर लेना, बाकी गाइज डी एस टेन और गाइज उमेश यादव में से किसी को पिक कर लेना, बाकी गाइज युजवेंद्र चहल को आप सीधे पिक कर लेना गाइज। यानी इस टीम से गाइज आपको बता दूँ एक हो गए एवी डिविलियर्स हो गए गाइज, दो हो गए सीएम दुबे, तीन हो गए गाइज, और वहीं बात करें नवदीप सैनी गाइज चार हो गए, और गाइज डी एस टेन और गाइज उमेश यादव में से किसी एक को हो गए पाई पांच हो गए, और गाइज युविंदर चौल को गाइज छः हो गए। यानी गाइज बेंगलोर टीम की बात रही तो इंपॉर्टेंट प्लेयर गाइज पूरे छः हो रहे हैं, तो गाइज इस टीम से छः चले जाना, उस टीम से आप पाँच जा सकते हो। बट हम इस गाइज टीम की प्लेयर रिकॉर्ड दिखाते हैं, उसके हिसाब से मैं अपने टीम एनालिसिस करूंगा, बस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। मुंबई इंडियंस की बात रह गई तो इन्होंने भी अभी तक दो मैचेज खेले गाइज, फर्स्ट वाला मुकाबला हुआ था गाइज यानी इंडियन प्रीमियर लीग का जो फर्स्ट वाला मुकाबला था गाइज मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग हुआ था गाइज, चेन्नई के बीच हुआ था गाइज, जिसमें गाइज पहले बैटिंग करते हुए गाइज मुंबई इंडियंस गाइज 162 रन बना पाए गाइज पूरे 9 विकेट खोकर पूरे 20 ओवर में। वहीं बात रहा गाइज चेन्नई सुपर किंग गाइज 186 रन बना पाए गाइज 5 विकेट के नुकसान पे गाइज पूरे 20 ओवर में, यानी गाइज वो चेन्नई सुपर किंग गाइज 5 विकेट से वो गाइज मैच जीत लिया था। मैच नंबर 5 की बात रह गई तो यानी गाइज इनके दूसरे वाला मुकाबला हुआ था गाइज मुंबई इंडियंस की, तो गाइज मुंबई वर्सेस कोलकाता, यानी गाइज मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता के बीच हुआ था गाइज, जिसमें आपको बता दूँ मुंबई इंडियंस ने गाइज पहले बैटिंग करते 155 रन की एक शानदार पारिया गाइज यानी गाइज एक बड़ी पारी लगाई थी गाइज, जिसमें आपको बता दूँ गाइज रोहित शर्मा ने गाइज 80 रन की पारी एक शानदार खेली थी गाइज पूरे 20 ओवर में। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात रही तो इन्होंने इस रन को चेज करते हुए गाइज पूरे 9 विकेट खो दिए गाइज और 146 रन नहीं बना पाए, तो गाइज मुंबई इंडियंस एक मैच जीत चुके थे, यानी गाइज लास्ट वाला मुकाबला गाइज मुंबई इंडियंस जीत के आ रही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी हम बात करें गाइज इनकी प्लेयर रिकॉर्ड बैटिंग ऑर्डर, तो बस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। मुंबई इंडियंस की तरफ से हो रहा है आने गाइज यानी इनकी तरफ से ओपन करने आ रहे गाइज रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, क्विंटन डिकॉक गाइज लास्ट वाले मुकाबले में गाइज 1 रन बना पाया, उसके पहले वाले में 33 रन बना पाए गाइज, 80 रन की एक शानदार पारी खेली थी गाइज लास्ट वाला मुकाबले में रोहित शर्मा, उसके पहले वाले मुकाबले में गाइज इन्होंने 12 रन बना पाए। तो गाइज आप चाहो तो इन दोनों को सीधे पिक कर लेना गाइज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, तो आप सीधे पिक कर सकते हो। बाकी हम बात करें गाइज सूर्य कुमार यादव और गाइज
सौरभ तिवारी, सूर्य कुमार यादव का 17 रन 47 रन की 2 1 गाइज एवरेज परफॉर्म कर रहा है भाई, तो आप चाहो तो सीधे सीधे पिक कर लेना भाई। सौरभ तिवारी की बात रह गई तो 42 रन और 21 रन की एक शानदार पारिया भी खेली गई जिन्होंने, तो आपको बता दूँगा जो पिक कैसे करने का इस इन चारों में से किसी तीन को लेना है। जैसे मैं बता दूँ आपको क्विंटन डिकॉट और रोहित शर्मा, ये बाद में देखेंगे गाइज, सॉरी मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको बैटिंग ऑर्डर बता देता हूं, बस वीडियो पे लास्ट तक बने रहना। और हार्दिक पांड्या रहे गाइज, इनको बॉलिंग नहीं मिल रहा है, आपको बता दूं गाइज इनको बॉलिंग नहीं मिल रहा है, बट गाइज ये कभी भी बॉलिंग कर सकता है, अभी तो बॉलिंग नहीं मिले तो गाइज आप इसे सिर्फ जीरो में ट्राई करना। स्मॉल लीग के लिए गाइज बिल्कुल भी सेफ ऑप्शन नहीं है हार्दिक पांड्या, बट खिलाड़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है गाइज, आप चाहो तो पिक कर लेना। बाकी बात रहे गाइज कैरन प्लॉट की, तो गाइज लास्ट 12 मुकाबले में गाइज 13 रन प्लस 1 विकेट, यह गाइज उसके पहले मुकाबले में गाइज इन्होंने 18 रन बनाए थे, यानी गाइज लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने पूरे 3 ओवर डाले थे कैरन पोलार्ड, तो गाइज फिर से ओवर करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार पिक रहेंगे गाइज बॉयज कैप्टनसी की, क्योंकि हार्ड हिटर बैट्समैन है गाइज और पूरे 3 से 4 ओवर करके दे सकते हैं गाइज, और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग भी कर लेता है, तो आपके लिए बॉयज कैप्टनसी की एक सेफ चॉइस रहेगा भाई। फिर से बॉलिंग करेंगे तो इसलिए बोला हूँ कि जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, मैं वहीं पर सारी इन्फॉर्मेशन गाइज शेयर करता हूँ लास्ट के 10-15 मिनट में, तो गाइज आप वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर गाइज एडिट करके चेंज करके बड़ी से बड़ी भी नहीं कर लेना। बाकी बात रहे गाइज कुणाल पांड्या की, तो गाइज इन्होंने लास्ट वाले मुकाबले में विकेट नहीं मिला था, उसके पहले वाले मुकाबले में गाइज 3 रन प्लस 1 विकेट, लास्ट के मुकाबले में गाइज इन्होंने पूरे 4 ओवर डाले थे। जेम्स पटिनसन की बात रह गई तो आपको बता दो 2 विकेट 1 विकेट और 11 रन लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने 2 विकेट ले गए थे गाइज, पूरे 4 ओवर डालेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है गाइज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉलर भी है, तो आप सीधे सीधे पिक कर लेना भाई। राहुल चार गाइज 1 विकेट 2 विकेट, यानी गाइज 2 मैच में गाइज 3 विकेट और 1 रन बना दिए। लास्ट वाले मुकाबले में गाइज इन्होंने डेथ ओवर में गाइज बॉलिंग की थी, 20 ओवर ये भी की थी गाइज, तो गाइज आपको सीधे सीधे पिक कर लेना है राहुल चार को। ट्रेंट बोल्ट की बात रह गई तो ये बहुत ही शानदार बॉलर है गाइज, आपको बता दो बहुत ही बेटर बॉलर है गाइज, 2 विकेट और 1 विकेट, यानी गाइज इन्होंने भी लास्ट वाले मुकाबले में 2 विकेट ले गए थे गाइज, और उसके पहले वाले मुकाबले में 1 विकेट, सीधे सीधे पिक कर लेना है भाई। जसप्रीत बुमराह 2 विकेट और 1 विकेट, हर मुकाबले में गाइज 1 विकेट 2 विकेट ले रहे हैं गाइज, राहुल चार जैसे हो गए, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और जेम्स पटिनसन, आप तो बोलो गाइज आपको बोलो इनको चारों को पिक कर लेना अपने स्मॉल लोग की टीम में गाइज, बाकी मैं आपको फाइनल टीम जरूर दूंगा गाइज, तो जाकर ज्वाइन हो जाना। बाकी आपको बता दूं गाइज अब पिक की, तो गाइज रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक और सूर्य कुमार यादव में से किसी 2 को, आप चाहो तो गाइज रोहित शर्मा को सीधे सीधे पिक कर लेना, बाकी क्विंटन डिकॉक और सूर्य कुमार यादव में से किसी 1 को गाइज, यानी इन 3 प्लेयर में से किसी 1 को पिक कर लेना। बाकी हम गाइज करें अब सौरभ तिवारी, हार्दिक पांड्या और गाइज कैरन पोलार्ड, तो आप चाहो तो गाइज सौरभ तिवारी को सीधे सीधे पिक कर लेना अपने स्मॉल लीग टीम में, बाकी हार्दिक पांड्या और कैरन पोलार्ड में से किसी 1 को पिक कर लेना। तो मैं तो जाऊंगा गाइज कैरन पोलार्ड, क्योंकि लास्ट के मैच में गाइज इन्होंने 3 ओवर करे थे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन्हीं के साथ जाए। कुणाल पांडे को गाइज आप सिर्फ जीरो में ट्राई कर लेना, बाकी आपके लिए स्मॉल लीग के लिए एक बढ़िया चॉइस रहेगा, पूरे 4 ओवर डालेंगे तो आपको विकेट निकल कर दे सकते हैं। जेम्स पटिनसन को सीधे सीधे पिक कर लेना, राहुल चार को सीधे सीधे पिक कर लेना, ट्रेंट बोल्ट को सीधे सीधे पिक कर सकते हो, और जसप्रीत बुमराह को भी सीधे सीधे पिक कर सकते हो, यानी गाइज लास्ट के जो 4 बॉलर है आपको सीधे सीधे पिक कर लेना है, हर एक मैच में 1 से 2 विकेट निकाल कर दे रहेगा, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस रहेगा। बाकी आपको फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड होगी, तो जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। अब हम चलते गाइज ड्रीम11 पे, अब वहाँ पे हम लोग आपको बता दे गाइज पहले पहले एनालिसिस करके किसको रखना है किसको नहीं रखना, बस वीडियो पे लास्ट तक बने रहना। हे गाइज जब आ चुका नहीं फाइनल ड्रीम11 में गाइज, यहाँ पे आपको बता दूँ विकेट के पर्सन में क्विंटन डिकॉक, ईशान किशन तो खेलने रहे गाइज, पी पटेल खेलने रहे, और ए तारे खेलने गाइज, जोस फिलिपे खेल रहे हैं, तो आपको बता दो प्रीव्यू, तो गाइज ये प्लेयर 2 खेल रहे हैं गाइज विकेट के पर्सन में, आपको बता दो गाइज जोस फिलिपे फर्स्ट यानी गाइज लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने फर्स्ट डाउन आ गए थे गाइज, आपको बता दो फर्स्ट डाउन आ गए थे, तो आपके लिए एक बहुत ही बेटर चॉइस रहेगा, तो गाइज आपके लिए सिर्फ जीएल में एक बेटर चॉइस रहेगा गाइज, बाकी इन्होंने 0 रन बनाकर आउट हो गए थे गाइज, यानी 1 भी रन नहीं बनाया था जोस फिलिपे, तो आपको बोल रहा हूँ गाइज आपको सिर्फ जीएल में ट्राई करना है, फिर से प्रमोट होते तो गाइज बेटर प्लेयर है बट स्कोर नहीं कर पा रहा, क्विंटन डिकॉक को आप सीधे सीधे पिक कर लेना स्मॉल लीग की है 2 की गाइज टीम में, मिनी जीएल में आपको सीधे सीधे गाइज क्विंटन डिकॉक को पिक कर लेना है। बाकी हम बात करें गाइज आप बैट्समैन सकते हैं कि, तो रोहित शर्मा को आप चाहो तो सीधे सीधे पिक कर लेना गाइज, लास्ट वाले मुकाबले इन्होंने 80 रन बनाए थे गाइज, गाइज आपको बता दूँ गाइज विराट कोहली तो आप चाहो तो गाइज अपने हेड टू हेड की टीम में इसे इग्नोर ही कर लेना है, यानी गाइज इसको ड्रॉप ही कर लेना, बाकी ये बहुत ही बेटर प्लेयर है, तो गाइज आप चाहो तो इसे पिक कर लेना, आपके ऊपर है भाई, मैं आपको बोलूँगा गाइज कि इनसे भी बेटर स्कोर कर रहे हैं, बट
प्लेयर से कोई नहीं होता भाई, जो फॉर्म में रहता है गाइस उसी को चूज करनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी गाइस विनिंग कर सकते हो। बाकी हम बात करें गाइस एवी डिविलियर्स की, तो गाइस एवी डिविलियर्स बहुत ही शानदार प्लेयर है गाइस, दो एक शानदार एक गाइस हाफ सेंचुरी भी बनाई गाइस, और लास्ट के मुकाबले में बहुत ही अच्छा स्कोर भी करा था गाइस। तो आप सीधे सीधे पिक कर लेना एवी डिविलियर्स को। सूर्य कुमार यादव गाइस आप चाहो तो पिक कर लेना भाई, आपको ओपन करने आ रहे हैं गाइस रोहित शर्मा के साथ, तो चाहो तो गाइस इसे भी पिक कर लेना। और एरन फिंच गाइस आपको बता दूं गाइस ये भी ओपनिंग पे आ रहे गाइस, सॉरी हाँ ओपनिंग पे आ रहे गाइस। सौरभ तिवारी गाइस गाइस फर्स्ट से टू राउंड आ रहे खेलने गाइस, शानदार पारिये खेलिए गाइस, एक शानदार पारिये खेली थी गाइस फर्स्ट वाले मुकाबले में 42 रन की, तो आप चाहो तो पिक कर लेना। बाकी हम बात करें गाइस देवीदूत पाडिकल गाइस, आपको बता दूं गाइस देवदूत पाटिकल बहुत ही शानदार प्लेयर गाइस, बट लास्ट वाला मुकाबले में गाइस इन्होंने एक रन पे आउट हो गया था, आपको बता दूं गाइस ये ओपनिंग करेगा तो आप चाहो तो पिक करना। बाकी हम प्रीव्यू की बात करें गाइस तो एरन फिंच, विराट कोहली, एवी डिविलियर्स, सूर्य कुमार यादव और सौरव तिवारी, रोहित शर्मा, तो सीधे सीधे पिक करना आपको। रोहित शर्मा का आप सीधे सीधे पिक कर सकते हो, एवी डिविलियर्स को सीधे सीधे पिक कर सकते हो। बाकी हम बात करें गाइस सौरव तिवारी गाइस और विराट कोहली में से किसी को, और गाइस सॉरी सौरव तिवारी गाइस सूर्य कुमार में से किसी एक को गाइस, और एरन फिंच और विराट कोहली में से किसी एक को, यानी गाइस इसमें से किसी एक को और गाइस इसमें से किसी एक को। बाकी ऊपर आपके ऊपर है गाइस देवदूत पाटिकल को आप भी ट्राई कर लेना गाइस, ये ओपनिंग पे आ रहे तो बहुत ही शानदार पारी खेल सकता है। बाकी गाइस ज़्यादा लोग जाएंगे इनके साथ तो आप इन्हीं के साथ जाए स्मॉल लीग टीम में। बाकी मैं आपको फाइनल टीम जरूर प्रोवाइड करूँगा, मैं आपको डेमो टीम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बता दूं गाइस अब ऑलराउंडर सेक्शन की, तो गाइस ऑलराउंडर सेक्शन में आपको देखेंगे गाइस हार्दिक पांड्या सिर्फ गाइस बॉलिंग यानी गाइस बैटिंग कर रहे हैं, 18 रन और 14 रन की दो पारियां खेलिए गाइस, कुछ खास नहीं कर पा रहे, बट आप चाहो तो पिक कर लेना है। कैरन पोलार्ड गाइस लास्ट ओवर मुकाबले में पूरे तीनों पर डाले थे, एक विकेट पर ले गए थे गाइस, कुछ रन भी बनाए थे, तो फिर से बॉलिंग करते तो आपके लिए एक बहुत ही बेटर चॉइस रहेगा। बाकी कुणाल पांडे गाइस दो ओवर से तीन ओवर कर रहे थे गाइस लास्ट ओवर मुकाबले में, इनको विकेट मिला नहीं था गाइस, तो आप चाहो तो पिक कर लेना। बाकी अभी गाइस स्मॉल लीग की टीम में आप इग्नोर ही कर लेना। बाकी शिवम दुबे गाइस दो विकेट निकाल चुके गाइस लास्ट के दो मुकाबले में गाइस दो विकेट, तो आपके लिए एक बढ़िया चॉइस रहेगा। बाकी हम बात करें गाइस वाशिंगटन सुंदर की, तो गाइस लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने 30 रन बनाया था गाइस, उन्हीं का पॉइंट है। बाकी इन्होंने बॉलिंग कुछ खास नहीं करा है, सिर्फ आपके लिए जेल में ट्राई करना है। बाकी हम बात करें गाइस सेफ की, तो गाइस शिवम दुबे और गाइस कुणाल पांडे, आप चाहो तो गाइस दोनों भाई में से किसी को पिक कर सकते हो गाइस, यानी हार्दिक पांडे और कुणाल पांडे में से किसी को पिक कर सकते हो। बाकी गाइस वाशिंगटन सुंदर आपके लिए एक बेटर चॉइस रहेगा, सिर्फ जेल में ट्राई करना है गाइज, ज़्यादा लोग इनके साथ जाएंगे तो इन्हीं के साथ जाएं। बाकी हम बात करें गाइज बॉलिंग सेक्शन की, तो जसप्रीत बुमराह के सीधे सीधे पिक कर लेना गाइज, दो विकेट निकाले थे। युजेंद्र चहल गाइज जिन्होंने एक विकेट निकालते गाइज लास्ट ओवर में, सीधे सीधे आपको पिक कर लेना इनको। ट्रेंट बोल्ट गाइज दो विकेट निकालते गाइज पूरे चार ओवर डालेंगे, तो सीधे सीधे पिक कर लेना गाइज। डी एस्टन पूरे चार ओवर डालेंगे बट इनको विकेट नहीं मिला था, इनको कैच छूटा था गाइज इनकी बॉलिंग पे गाइज। केएल राहुल गाइस इन केएल राहुल के कैच छोड़ा था गाइस विराट कोहली ने, तो गाइस वो भी कैसे रोक लेता तो, बट इनको गाइस विकेट मिल जाता बट इनको विकेट नहीं मिला, तो अभी के लिए हम इनको स्मॉल लीग में इग्नोर ही कर लेते हैं। उम्मीद से ज़्यादा गाइस आपके लिए जीएल की बहुत ही शानदार पिक रहने वाला है भाई, पूरे तीन से चार ओवर करके देंगे मेरे भाई, और आपको बता दूं गाइस आपके लिए जीएल में बहुत ही शानदार पिक रहेंगे। आपको बता दूं गाइस आप देखते हो तो सिर्फ 3% चॉइसेस हैं यानी सेलेक्टेड है, तो आपको गाइस जीएल में बहुत ही बड़ा विनिंग करा सकते हैं गाइस। गाइज नौ दिवस यानी पूरे चार बार डालेंगे गाइज, लास्ट वाले मुकाबले में इनको पिटाई हो गई थी, बट गाइज इनको बता दूँ विकेट नहीं मिला था, उसके पहले वाले मुकाबले में गाइज इन्होंने दो विकेट निकाले थे नौ दिवस यानी। बाकी जय पटेलसन की बात करें तो एक विकेट और दो विकेट की दो शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है गाइज, लास्ट वाले मुकाबले में दो विकेट निकालते पटेलसन ने। अब हम बात करें गाइज सॉरी यहाँ पे एक राहुल चहर था, आपको बता दूं गाइस सॉरी यहाँ पे एक राहुल चहर था गाइस, मैंने उसको ऐड नहीं करा बट सॉरी राहुल चहर, आपको बता दूं गाइस लास्ट के मुकाबले में गाइस उन्होंने भी दो विकेट निकाले थे, राहुल चहर दो विकेट और एक विकेट की गाइस दो मैचेज में गाइस उन्होंने एक विकेट और दो विकेट निकाले गाइस राहुल चहर, तो चाहो आप सीधे सीधे पिक कर लेना। बाकी बात करें गाइस अब गाइस ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल गाइस, और आपको बता दूं इन तीनों में से किसी एक को। बाकी गाइस आप और गाइज जय पटेलसन को भी पिक करना, सीधे से पिक करना गाइज, और राहुल चौर को सीधे से पिक कर लेना गाइज। आपको बता दूं गाइज आप इनके प्रीव्यू को, तो गाइज राहुल चौर को ज़्यादा लोग जाएंगे गाइज, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और जय पटेलसन, युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी, ज़्यादा लोग इन्हीं के साथ जाएंगे तो आप इन्हीं के साथ जाएँ स्मॉल लीग में और गाइज मिनी जीएल में। बाकी आपको बता दिए गाइज कि आप उमेश यादव को ट्राई कर लेना,
आपको बता दूंगा इस फाइनल टीम दिखाने से पहले आपको एक बार ला दो, आप खुद तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं होते जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। फाइनल टीम आपको वहीं पर प्रोवाइड होती है तो जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी हमें गाइज विकेट कीपर सेक्शन में गाइज हमने क्विंटन डीकॉक, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, एवी डिविलियर्स, एरन फिंच। गाइज हमने कैप्टनसी दिया है गाइज रोहित शर्मा को और बॉयज कैप्टनसी एवी डिविलियर्स को। आप चाहो तो गाइज बॉयज कैप्टनसी ओम दुबे को दे सकते हो गाइज, बट गाइज मिनी जीएल में, क्योंकि गाइज इनको कभी भी नई विकेट मिल सकता है, बट लास्ट के दो मुकाबलों में गाइज इन्होंने दो विकेट निकाले गाइज, तो आप इन पर भरोसा कर सकते हो। बट मैं बोलूँगा गाइज आप इन्हीं के साथ जाए बॉयज कैप्टनसी। बाकी आप गाइज क्विंटन डीकॉक के भी साथ जा सकते हो, जे पैटिंसन के भी जा सकते हो गाइज, ट्रेंट बोल्ट, बहुत सारे ऑप्शन है गाइज। सी ओम दुबे का रखा है गाइज ऑलराउंडर सकते हो गाइज हमारी। गाइज आपको बता दूँ युवेंद्र चहल, राहुल चहल, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, जे पैटिंसन, हमारे पांच बॉलर रहने वाला है गाइज। ज़्यादा लोग इन्हीं के साथ जाएंगे तो आप इन्हीं के साथ जा सकते हो। बाकी गाइज आपको बता दो हमारे डेमो टीम है, डेमो टीम का मतलब इसमें बहुत सारे चेंजेस होगा, वो चेंजेस आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड होगा, तो जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। गाइज ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं आप लोग, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।